Yeah, hello everyone. So let's discuss. So in our last class, we finished the operator precedence and associativity rule. Okay, we discussed that what is an operator precedence and what is an operator associativity. Okay, so you go through that, and if you have not go through the lecture, then again go through that. Okay, read that table again and again, make that table again and again. Then only you will be learn that table. So today we will start the next topic in the same chapter, and that is known as control structures. Okay, so let us see what are control structures. So basically there are three kinds of control structures which are given. So one is a sequence control structure, one is a sequence control structure, then is selection, and then is loop structure. So sequence, sequence, and then we have if else statement like, and then we have this loop. Okay, so ये तीन तरह के हमारे control structures होते हैं, ठीक है, जो भी दे रखा है उसके अंदर, book के अंदर. Sequence है, selection है, और loop structures है, ठीक है. नाम देख लो इसका, loop नाम बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका selection, और ये हो गया आपका loop. And this is loop. Okay, so in selection we study about if else conditions, okay, if else statements, and we also study about the switch case statements. And in the loop we have three types of loop. One is the while, another is do while, and third is the fourth loop. Okay, so basically in the loops structures we have three things. One is the while, do while, and for. And in the selections structure we have two things, if else statement and switch case. And in the sequence basically just like a sequence goes on. देखो ये कहना क्या चाह रहा है, control structure का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि आपका program execute कैसे होता है, ठीक है. जब program start होता है तो program execute कैसे होता है. देखो sequence का मतलब हो गया कि वो एक sequence में चल रहा है, ठीक है. एक statement execute हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ठीक है, ऐसे ही चलता है program वैसे ना, सीक्वेंस में फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड, फिर नीचे जो उसके नीचे स्टेटमेंट आता है, टॉप डाउन ऑर्डर में ऐसे एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली सीक्वेंस है कि अगर आपने कोई ऐसे स्टेटमेंट लिखा है, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, एंड देन सी आउट और सी इन समथिंग, है ना, तो ये एक ऊपर से नीचे एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं, ठीक है. एक तो होता है ये स्ट्रक्चर. देन वाट इज द सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या आ जाता है, देखो ऊपर से नीचे होती नहीं है फिर ना, सीधा आपने लिखा इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं है तो then this will be executed. तो अब ये sequence में नहीं आया एक, है ना, if this condition is true this will be executed, and if the condition is not true this will be executed. So now the sequence has broken. So this thing is known as your selection structure. ठीक है, selection बस उसको नाम दे दिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो. sequence break हो चुका है, अभी आपका if else वगैरह आ चुके हैं, ठीक है. अब तीसरा इसमें while में क्या होता है कि बार बार चलता है loop, है ना, जैसे आपने for loop लगाया और यहाँ पे कोई जो condition आपने दी है ना, तो वो क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट्स है बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक है, वही आपका जो है अलग स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है. तो जो आपका प्रोग्राम्स है हाउ बेसिकली इट एग्जीक्यूट्स, है ना, एक तो आपका सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो सकता है कि ऐसे सीक्वेंस लिख रखे हैं, सीक्वेंस में सारा एग्जीक्यूट हो रहा है. एक आपका ये इफ एल्स कंडीशन आ जाती है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है. एक आपका ये लूप्स आ जाते हैं जिसमें बार बार जो है, जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर स्टेटमेंट्स, वो बार बार आपके एग्जीक्यूट्स होते रहते हैं, ठीक है. तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या होता है इसके बारे में. बुक्स वगैरह है सबके पास, आपके पास तो बुक्स है, आपके पास भी सबके पास है बुक, है ना, आप, है ना, नहीं है, मैंने बोला था ना फिर, तो मैंने और क्या बोला था, मोबाइल अलाउड है क्या, लाना मोबाइल अनाला लाओ, तो फिर ठीक है, जिसको बुक नहीं मिल रही है वो मोबाइल लेकर आ जाओ, मोबाइल में पीडीएफ ओपन करके देख लो, है ना, मैंने यही तो बोला था कल इनको कि अगर मोबाइल लाना अलाउड है ना, होना चाहिए अलाउड, कहीं ऐसे बोल दो कि सर ने बोला था मोबाइल लाना है, ठीक है, अगर अलाउड है तो ले आओ और फिर उसमें बुक ओपन करके देख लो, पीडीएफ तो है ही, क्योंकि बुक अगर नहीं मिल रही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से एनसीईआरटी बुक्स आ जाएगी, है ना, ये जो बुक्स है ये खत्म हो जाएगी, फिर एनसीईआरटी बुक्स आ जाएगी नेक्स्ट टाइम से, आईपी आ जाएगा, कंप्यूटर नहीं पढ़ा करेंगे, फिर आईपी पढ़ा करेंगे अगले साल से बच्चे, ठीक है, क्योंकि इलेवंथ में आईपी पढ़ रहे हैं ना सब, नहीं आपने पढ़ा हुआ आईटी, अभी तो ये आईपी पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है, इलेवंथ क्लास में अब आईपी आ गया, आपने जो बुक पढ़ी थी इलेवंथ क्लास वाले वो बुक नहीं पढ़ रहे, है ना, वो आई पी पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट ट्वेल्थ में भी उसी के अकॉर्डिंग आई पी आ जाएगा, तो इसलिए बुकें हो सकता है अवेलेबल नहीं हो मार्केट में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम को यूज़ ही नहीं करेगा इनको. तो ठीक है, मोबाइल है तो मोबाइल ला सकते हो, तो पीडीएफ उसमें ओपन करके देख लो, ठीक है. सो बेसिकली वी हैव दीज
three control structure which controls the structure of your program. Okay, one is the sequence structure, another is the selection structure, and the third one is the loop structure. Okay, so sequence means execute all the statements in a sequence one by one, top to down order. Selection means if else condition will be applied. If this is true, then this will be executed, otherwise this will be executed. So not in a sequence. The loop is basically the statements you write in a loop will be executed certain number of times depending on the condition of the loop. Okay, so let us see one by one. So what are you waiting for? लिखते लिखते नहीं हो क्या? कुछ लिखना नहीं होता क्या? कुछ नोट डाउन वगैरह करते रख रहे हो ना बुक में? अभी मैंने कल बोला था ना कि कॉपी पेन लेके बैठो, बुक साथ में लेकर बैठो. अगर कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है तो उसको लिख लिया करो. ठीक है? ठीक है, तो बुक लेकर बैठो, देख के चलो. बुक में अगर कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो उसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में. ठीक है? और जो बुक, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है वो तो ठीक है, उसको बाद में जाकर नोट डाउन कर लेना. देखो, if else condition we know already about the if else condition. Okay, so we can take an example and you can try that all the example, because you have not done much programming in 11, so you can try all the problems we are discussing here. So take a case of this selection structure. So we take a case of if else statement. Okay, so what you can do, you can take a number x is equal to, or like c in x you can take. So we can take a variable integer x and I can write c in x. Okay, so if everyone who has attended the first class of our C++ is basically aware that what we are discussing here, C in X or all these things we have covered. Okay, so whoever has attended this class in which we had made a program of C in and C out, basically it was the first chapter, no? In which we use the C in and the C out. Okay, so go through that video lectures. The lectures have been uploaded, so go through them. Okay, because there are so many things we have discussed in the past and it is not possible to cover everything. Okay, so try your best, go to the lectures. If you have any doubt, you can ask me. So we made a program like this. So take a variable integer x, then we are taking c in x. C in x is basically scanf. So instead of scanf in C++, we use c in. Okay, and then we can test a condition like if x remainder 2 is basically equal to 0, then you have to print, or in the C out, I can use the C out. So in C++, instead of printf, we use C out. C out, and then you can write x is a even number. Okay, not here. And you can write like this. Okay, so x is a even number. And in that case, it is not an even number. It is not divisible by 2. That means the remainder when divided by 2 is not 0. So we can print c out x is an odd number. Okay, so basically this is our program, and if I complete this program for the first time for you, you can write like this: hash include IO stream, hash include IO stream, and here you can use integer main. And here also we will have one more line here that will be using namespace std. Using namespace std, and then we can use integer main. And here all the inside integer, and then on the last I will write return 0. Okay, we have made this program already. Okay, so any other problem we had done using the C++ program, go to the first lecture of our C++. So sixth chapter ka jo first lecture tha, usme humne ek program banaya tha. To aisa hi koi dusra program banaya tha, C in C out ka user. Theek hai? So basically what I am doing is that basically I am taking input from the user, any number. So he will give an input as x, and if I am testing whether the number is even or the number is odd. ठीक है, ऐसे ही टेस्ट करते हैं. रिमाइंडर टू इज इक्वल टू जीरो. पता है किसी को ये? पता है ये वाला कि हाँ इससे इवन नंबर चेक हो जाएगा? पता है?
नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं पता। देखो तो इलेवेंथ में करा क्या फिर, देखो है इलेवेंथ में अभी मैं करा रहा हूँ तो ये सारे प्रोग्राम है ही, इससे बड़े बड़े प्रोग्राम है तो कुछ भी नहीं। देखो रिमाइंडर क्या होता है, देखो ये जो मॉड्यूलस, ये पता है ये कौन सा ऑपरेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का क्या है, नहीं इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, ये ऑपरेटर है कोई, बेसिकली ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है नहीं पता। देखो मतलब बहुत, चलो पूछ लो फिर ऐसा करो देखो, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ एज्यूम करके ही चलता हूँ कि इलेवंथ करी है तो बेसिकली इतना तो मैं सोच लेता हूँ कि चलो ये पता होगा, ये पता होगा। तो अगर कुछ नहीं पता है तो बोल दिया करो कि सर ये वाला नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोलो, अभी नहीं बोलोगे तो फिर आपको लास्ट तक कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा फिर, है ना। तो बोलना पड़ेगा आपको कि सर ये वाला नहीं पता मेरे को, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर कैसे बताता है, अगर मैंने लिखा 3 remainder 2, है ना, और मैंने लिखा x = 3 remainder 2, तो ये मेरे को बता देगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या होता है, आपका शेषफल होता है। जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 2, द रिमाइंडर इज 1, तो x की वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाएगी। एंड सिमिलरली आई ट्राई फॉर x = 20 remainder 7, तब क्या आएगा, 20 मैंने लिया और जो है मैंने इसमें 7 का डिवाइड किया तो 7 2 14, बचा कितना 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। तो जो भी आपका रिमाइंडर आता है ना मैथमेटिक्स में, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, बेसिकली मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। तो अगर ऐसा मैं करूंगा तो देखो, 2 से जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, इफ़ आई डिवाइड ए नंबर बाय 2 और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल होता है 2 से, और 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इवन नंबर होता है। 2 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है, वो इवन नंबर है। तो यही मैंने यहाँ करा कि x रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज एन इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं होगा तो दैट मीन्स x इज एन ऑड नंबर, या तो नंबर इवन होता है या नंबर ऑड होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम है जो मैंने बनाया, जो कि मैंने इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज किया, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर विच इज इफ एल्स, ठीक है। तो ऐसे इफ होता है, तो अगर सपोज इफ आई टेक ए इनपुट, सपोज अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू दी, क्या दी मैंने x की वैल्यू, सपोज मैंने x की वैल्यू 5 दी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सी इन x का मतलब क्या है, ये मेरे से वैल्यू पूछेगा, स्कैन एफ की तरह होता है ना, तो वैल्यू पूछेगा। सपोज आई हैव एंटर्ड अ वैल्यू 5, तब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अब ये चेक करेगा कि क्या 5 रिमाइंडर 2 जो है आपका इक्वल टू 0 है, नहीं होगा, क्योंकि 5 तो एक आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो आपका ये वाला प्रिंट हो जाएगा कि x इज एन ऑड नंबर, है ना, यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। और अगर मैंने 6 एंटर करा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा x इज एन इवन नंबर, ठीक है, यहाँ ऑड आ जाएगा। तो ये आपका जो है इफ एल्स कंडीशन का ऐसे प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स बना बना कर देखो ना, काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाओगे तब आपको आएगी सारी चीज़ें, ऐसे तो आएगी नहीं प्रोग्राम नहीं बनाओगे तो। सो प्रोग्रामिंग इज मस्ट, यू हैव टू मेक प्रोग्राम्स, ठीक है, देयर इज नो अदर वे टू लर्न ए प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग को लर्न करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है केवल प्रोग्राम बनाने के अलावा, ठीक है। तो यहाँ सुनते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, एक दिन भूल ही जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट इन प्रोग्रामिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो हमने करा, और उसमें हमने देखा कि इफ एल्स का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी अबाउट द स्विच केस, ठीक है। सो स्विच केस डज द सेम थिंग व्हाट इफ एल्स डज, बट इट डज इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो स्विच केस इज बेसिकली स्विच एंड केस। ओके, सो बेसिकली इट डज द सेम थिंग बट इट डज इन अ डिफरेंट वे। लेट अस सी व्हाट इज द वे। वे इज दैट आप यहां पर क्या करोगे, देखो सपोज इसी केस को, इसी एग्जांपल को हम स्विच केस से करेंगे तो कैसे करेंगे ना, देखो इसी केस को हम अगर स्विच केस से करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कर ले रहे सब नोट डाउन, चलो। सो लेट्स डू द सेम प्रॉब्लम बाय इफ एल्स स्विच केस, तब क्या क्या करना होगा देखो। तो हेयर आई विल हैव टू राइट स्विच, एंड ऑन द स्विच आई विल राइट एक्स रिमाइंडर 2। ओके, ऑन द स्विच आई विल राइट एक्स रिमाइंडर 2, ठीक है। और यहां पर आई विल राइट, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है,
और ये है मेरा स्विच केस, ऐसे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से और सपोज ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। एंड हेयर आई कैन यूज केस, केस जब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। दो ही केस होंगे, या तो जीरो आएगी वन आएगी ना, किसी भी नंबर को दो से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, डिवाइड कर करके देखो, या तो जीरो आएगा या फिर वन आएगा ना, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, दो रिमाइंडर आता तो फिर दो से दोबारा डिवाइड कर लेते उसको। अगर किसी भी नंबर को, जैसे किसी भी नंबर है ना, अगर आपने किसी भी नंबर को फाइव से डिवाइड करा तो रिमाइंडर फाइव से छोटा ही आएगा हमेशा। अगर रिमाइंडर फाइव आ रहा होता तो फिर फाइव से दोबारा डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है हमेशा। तो दो से छोटा क्या होता है, जीरो होता है, वन होता है, तो दोनों पॉसिबल है। जीरो होगा तो इवन नंबर है और वन होगा तो आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो देखो, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x रिमाइंडर टू, इसकी वैल्यू अगर जीरो आएगी, केस आपका जीरो है ना, अगर इसकी वैल्यू आपकी जीरो है तब आपको क्या करना है, तब आपको ये प्रिंट करना है आपका सी आउट, ठीक है। तब आपको प्रिंट करना है सी आउट, और यहां पर कहना है कि x इज एन, वही कर देंगे हमारा इवन नंबर, ठीक है, ऐसे। और यहां पर आपका सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। और दूसरा केस ले लेते हैं, केस अगर आपका है वन वाला, ठीक है, ये जीरो इधर आएगा, ठीक है, केस ऐसे कर दो, वन ऐसे कर दो, है ना, केस वन हो गया। अगर आपका ये वाला केस है तब आप क्या आउटपुट क्या आ जाएगा, सी आउट x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो बस ये चीज होती है ना, देखो सेम ही प्रॉब्लम हमने ऐसे कर दी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको क्या क्या और होता है इसके अंदर। ठीक है, सो इट विल डू द सेम थिंग, इट विल डू द सेम थिंग व्हाट वी डिड यूजिंग इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, ओके। सो इस इज द स्विच केस स्टेटमेंट, but actually here is a problem in this, okay, what will happen, see, it does not work in the same way। yahan par kya hoga ki agar aapka ye zero aa gaya na case, suppose agar maine enter kara mera, suppose maine wahan likh dete hain, chalo agar suppose maine enter kara aapka 4, to 4 kya hota hai, divisible by 2 hota hai, remainder kya aayega, zero aayega, remainder zero aaya, yahan par aa gaya, case zero na, ye wala case aapka true ho gaya, ये वाला केस ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा आपका। तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है, एक्स इज एन इवन नंबर, ये प्रिंट हो गया। लेकिन ये क्या करता है कि अगर आपका ये केस ट्रू हो गया ना, तो इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट है सबको प्रिंट कर देता है। तो ये वाला, हालांकि ये जो है आपका केस वन, मैंने ये लिखा हुआ केस वन में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको भी एग्जीक्यूट कर देता है और आपका आउटपुट ये आ जाता है कि एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है, दोनों लाइंस जो है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो इट डज लाइक दैट, ठीक है। ये क्या करेगा कि इफ केस जीरो मैचेस देन इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड ऑल द स्टेटमेंट्स दैट कम्स आफ्टर दिस, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है सबको एग्जीक्यूट कर देगा, ये केस वन में इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये है, अब देखो रिपीट करूं, हमने क्या करा कि x रिमाइंडर 2 जो है इसको चेक करा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, let's check the value of x remainder 2 and let us suppose I have given the value of x as 4, so 4 remainder 2 is basically 0, the remainder is 0, so here I am taking a case 0, matlab ye jo maine value li, kya kya possible values ho sakti hai, 0 ho sakti hai aur 1 ho sakti hai, to dono ke case bana diye na, case 0 and case 1, ye jo expression hai iski kya value aayegi, ya to 0 hogi ya 1 hogi, hai na, to do case maine bana diye, ya 0 ho gaya ya 1 ho gaya, theek hai। ab isme dekho कि अगर मैंने x की वैल्यू 4 दी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो केस जीरो वाला आपका मैच हो गया, ये मैच हो गया तो ये वाली इसके बाद जितनी भी लाइंस आएगी वो सब प्रिंट कर देगा, केस जीरो मैच करा तो उसके बाद जितनी भी लाइंस है सब प्रिंट कर देगा, दोनों दो लाइन है इसके अंदर स्विच केस के अंदर, दोनों लाइन इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इनपुट देता हूं 5, 5 का रिमाइंडर क्या है, 1, ये केस मैच नहीं हुआ, ये वाला केस मैच हुआ, तो इस केस में ये वाली प्रिंट करेगा लाइन और इसके बाद जितनी भी लाइन है प्रिंट कर देगा, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो है इस केस में केवल यही प्रिंट करेगा, एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। ये तो 5 के केस में तो ये एक्स इज एन इवन नंबर प्रिंट कर देगा, लेकिन 4 के केस में ये दोनों प्रिंट करेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या इंट के नीचे सी इन एक्स है ना, सी इन सी आई एन सी इन एक्स, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखना हमारा C++ का,
वीडियो देखना आज, उसमें प्रोग्राम बना रखा है पूरा, ठीक है। तो ये ऐसा करता है, ठीक है। तो अब ये तो सही है नहीं, ये तो चीज़ सही है नहीं ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसा चाह नहीं रहे थे लेकिन ऐसा हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसके बाद में एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लेते हैं, ठीक है, बी आर ई ए के। पर यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, सब जगह जितने भी केस हैं सबके आगे एक ब्रेक ब्रेक लगाते चले जाते हैं, ठीक। ब्रेक का मतलब देखो क्या हुआ, ये इसने प्रिंट करा फिर ब्रेक आ गया, ब्रेक का मतलब आप स्विच केस से बाहर आ गए, ठीक है। और स्विच केस से बाहर आ गए तो जो आपकी ये लाइन है ये अब प्रिंट नहीं होगी, ठीक है, तो ये ही प्रिंट होगा जो हो, ठीक है। तो जो मैच करेगा केवल वो ही प्रिंट होगा, जो मैच नहीं करेगा वो प्रिंट नहीं होगा। इसलिए हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट्स यहाँ इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है आपका। अब इसको तीन के लिए करके देखो, सपोज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री तब क्या होगा ना, तो देखो उस केस में क्या होगा, या फिर और कोई सा एग्जाम्पल देखें, बुक में कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें तो दे ही नहीं रखा है एग्जाम्पल ही, इसमें तो एग्जाम्पल ही नहीं है, तो बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा, लो ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, और क्या केस लग सकता हूँ, फाइव का केस लेकर देखते हैं ना। देखो फाइव के केस में जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है, फाइव का केस लेकर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर करता हूँ मैं फाइव से, एक्स रिमाइंडर मैंने करा फाइव, ठीक है, जीरो लिखा वन लिखा, ठीक है। अरे ये इधर से चले गए सारे, देखो। तो सपोज इन दैट केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेक इज दैट एक्स रिमाइंडर फाइव है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइव से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी नंबर को, है ना। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है आपका, फाइव से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, और अगर किसी भी नंबर को फाइव से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जीरो वन टू थ्री फोर सारे आ सकते हैं ना, फाइव से छोटे कोई सा भी नंबर रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जीरो वन टू थ्री और फोर, ठीक है। फाइव से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो है वो कोई सा भी आ सकता है इनमें से, ठीक है। अब देखो, तो अगर रिमाइंडर जीरो है तो मैंने क्या प्रिंट करा, रिमाइंडर इज जीरो, और अगर रिमाइंडर वन है तो मैंने लिखा रिमाइंडर इज वन, और अगर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, रिमाइंडर इज टू थ्री और फोर, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो बस ये है कि मैंने दो ही केस बनाए कि जीरो और वन, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो बच्चे कौन से, जो भी केसेज हैं सारे इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे केसेस क्या बनते हैं, देखो वैसे तो मेरे फाइव केसेस बनते हैं ना, रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, पांच केस हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने केवल दो ही केस बनाए, एक केस जीरो और एक केस वन, केवल दो ही केस बनाए और बाकी सारे केसेस को डिफॉल्ट के अंदर डाल दिया, कि मतलब अगर जीरो और वन में से कोई सा भी नहीं है तो आप ये वाला काम कर दो। अगर केस जीरो भी नहीं है, केस वन भी नहीं है, मतलब रिमाइंडर जीरो भी नहीं है, रिमाइंडर वन भी नहीं है, तो उस केस में आप ये वाला काम कर दो, ठीक है, ये वाला काम। तो देखो क्या सारे डिफॉल्ट में, हाँ तो टू थ्री फोर सब सारे केस उसी में डाल देना, क्योंकि बच्चा कौन सा, जीरो होगा तो ये वाला हो जाएगा, वन होगा तो ये वाला होगा, बच्चे कौन से, टू थ्री फोर हुए, उस केस में सारा बोर्ड पे जगह नहीं है ना इतनी अपने पास में, ठीक है, इसीलिए। और एग्जाम्पल पर डिफॉल्ट का सेट करना है कि देखो डिफॉल्ट कैसे काम करता है। तो देखो अगर मैंने नंबर लिया सिक्स या नंबर लिया आपका टेन, टेन को अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, है 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। और क्या क्या आंसर है आपका, क्या है, 2 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करना है, ये 10 है और ये 5 है ना, 10 को 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या है, 0.5 आ रहा है, और किसका, 0 आएगा ना, 5 टू जा कितना होता है 10, और रिमाइंडर कितना बचा, 0,
रिमाइंडर क्या आया? जीरो, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखूंगा 10, अगर मैंने यहां पर लिखा 10 तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? हाँ नहीं, रिमाइंडर आ गया वो, तो यहां प्रोग्राम जब रन होगा तो क्या होगा? केस जीरो हुआ है ना, केस जीरो हुआ तो क्या प्रिंट होगा? रिमाइंडर इज जीरो। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक का मतलब सारा यहां पर आ जाएगा ना, इस पूरे स्विच केस के बाहर आ जाऊंगा और उसके बाहर तो केवल रिटर्न जीरो है, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने एंटर करा 11 तो क्या प्रिंट होगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इस केस पर आ जाऊंगा ना, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट इस केस पर आऊंगा, तो क्या प्रिंट होगा आपका? रिमाइंडर इज 1, ठीक है। अब आ गया, उसके बाद ये वाला ब्रेक आ गया तो ये वाला प्रिंट हो नहीं पाएगा, फिर आपके बाहर आ गया, ठीक है। अब सपोज आपने अगर कोई वैल्यू एंटर करी 12, तो रिमाइंडर क्या आपका? 2 है। 2 इसमें भी मैच नहीं कर रहा, इसमें भी मैच नहीं कर रहा, तो ये सीधा इस पे चला जाएगा डिफॉल्ट पे, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो क्या प्रिंट होगा? रिमाइंडर इज इधर 2, 3 और 4, ठीक है। ये वाला प्रिंट हो जाएगा 2, 3, 4, ठीक है। तो ऐसे जो होता है डिफॉल्ट भी होता है ना, डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई सा भी मैच नहीं करा तो लास्ट में आपका डिफॉल्ट ही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इफ स्विच केस का प्रोग्राम होता है। तो कोई है ही नहीं, चलो। तो आपकी अभी क्लास है क्या इसके बाद में? कोई कितनी बजे से? वन ट्वेंटी से है ना, ठीक है। तो ये आपका देखो स्विच हो केस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका फोर लूप आ जाएगा, कि फोर लूप कैसे होता है ना, आपका आ जाएगा लूप स्ट्रक्चर्स आ जाएगा थर्ड, उसमें तीन चीजें देखेंगे, फोर लूप, स्विच केस और ये वाला, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स वगैरह थोड़े बनाकर देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करो ना अभी। चलो आपकी फर्स्ट क्लास है, नहीं तो ये टॉपिक पूरा ही कराना था आज, इसमें छोटे छोटे तो टॉपिक है, लेकिन ये आपने करे हुए नहीं है इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो पूरा चैप्टर ही हो जाता अभी, फोर लूप व्हाइल लूप। और मुझे तो लग रहा है आपको एक एक फोर भी बताना पड़ेगा, व्हाइल भी बताना पड़ेगा, डू व्हाइल भी बताना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये एक ही चैप्टर में करा। क्या मतलब? मतलब कर नहीं पाए ज्यादा इलेवेंथ में? हाँ तो वही है, मतलब वैसे तो इसमें देखो दो तीन बुक में दे रखा है, बुक में कुछ नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं दे रखा ना, फोर लूप उसमें भी कुछ नहीं दे रखे, लेकिन अब आपने करे ही नहीं क्योंकि बुक को भी पता है कि इलेवेंथ के बच्चे हैं तो सब करके ही आए होंगे ना, तो बुक को भी यही पता है कि सब कर आए होंगे, लेकिन आप करके नहीं आए सारे। तो चलो कोई नहीं, वैसे तो आज खत्म कराना था लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये लास्ट टाइम है, ठीक है, इसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि दोबारा से आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई जाएगी। फर्स्ट चैप्टर देख कर आना जिसमें C++ का प्रोग्राम बनाया था, बिगिनिंग विद C++ का, छठे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, सिक्स चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, उसमें प्रोग्राम बनाया और ये भी बताया कि प्रोग्राम कैसे बना के रन कराना है, ठीक है। तो वो करके देख लेना, बार बार ऐसे शुरू से थोड़ी ना पढ़ाएंगे।